इंटरनेट नहीं चल रहा है, डेटा को ऑन भी किया हुआ है फिर भी हमारा जो इंटरनेट है वो बहुत स्लो चल रहा है। हम लोग अपनी यूट्यूब जैसी एप्लीकेशन को बिल्कुल भी नहीं चला पा रहे हैं, ना ही इंस्टाग्राम चल रहा है, ना ही यूट्यूब चल रहा है, ना ही व्हाट्सएप चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। इंटरनेट ऑन हुए हैं फिर भी देख सकते हो मेरा डेटा ऑन है, लेकिन आपका जो इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने अपनी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर ली है, आप देख सकते हो आप अच्छी खासी स्पीड आ रही है मेरे नेटवर्क के ऊपर मेरी जियो सिम में। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे मैं यूट्यूब को भी प्रॉपरली तरीके से चला पा रहा हूँ, सारी चीजें मैं सही तरीके से चला पा रहा हूं। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था, मेरे जो जियो सिम है उस पे मेरा जो इंटरनेट है ना वो बहुत बेकार चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, बहुत कम स्पीड आ रही है। सो गाइस अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, आप लोगों ने बहुत सारी न्यू एपीएन सेटिंग भी अप्लाई कर लिया है बट आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा मेथड बताने वाला हूं पूरे यूट्यूब पे 2024 का लेटेस्ट ट्रिक, जिससे आपको जो इंटरनेट वो हाई स्पीड के साथ चलने वाला है। और गाइस आपको न्यू एपीएन सेटिंग में बताने वाला हूं 2024 की। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको बता देते हैं मेरे भाई। देखो आपको अपनी जियो सिम के अंदर जो इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है, जब भी आप कोई भी यूट्यूब एप्लीकेशन या इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो वो बफरिंग करते रहता है, बिल्कुल भी आपका इंटरनेट नहीं चलता। आपकी सिम के ऊपर इंटरनेट है, डेटा है, फिर भी आपका इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 मेथड बताऊंगा। तो पहली ट्रिक से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो पहली ट्रिक में आपको जो अपनी मोबाइल फोन स्क्रीन पे आना है, और ये 2024 का लेटेस्ट मेथड होने वाला है, ये सेटिंग आपको जरूर से अप्लाई करनी है, चाहे आपने पहले भी अप्लाई की हो, लेकिन जो मैं आपको न्यू ट्रिक बताऊंगा सेम टू सेम आपको अप्लाई करना होगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। मैं गारंटी देता हूं आपका इंटरनेट चल जाएगा, बस वीडियो का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा कंप्लीट देखना। तो सबसे पहले ट्रिक में करना क्या, आपको मोबाइल फोन सेटिंग में जाना है, ठीक है। मोबाइल फोन सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिम कार्ड इस मोबाइल नेटवर्क का, ठीक है, यहां पर क्लिक करना है। ये देखो आपकी जो जियो की सिम है वो यहां पे आ जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद देखो सबसे पहले आपको करना है मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक, मोबाइल नेटवर्क पे आपको चेक करना है कि आपका इंटरनेट कौन सी स्पीड पे चल रहा है। तो यहां पे मेरा जो जियो 4G पे सिलेक्टेड है, तो आपका जियो 4G पे सिलेक्टेड है, ये चेक आउट कर लेना है। उसके बाद यहां पे देखो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो एक ऑप्शन आपको यहां पे मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम का, इस पर क्लिक करना है। यहां पर देख सकते हो मैं जो एक्सेस पॉइंट यूज कर रहा हूं, न्यू एपीएन सेटिंग यूज कर रहा हूं, वो जियो 5G की यूज कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग सोचोगे जियो 5G तो अभी तक हमारे सिम में नहीं चला है, ना ही हमारे फोन में अवेलेबल है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं जियो 5G की आपको न्यू एपीएन सेटिंग देने वाला हूं, जिसको आप अप्लाई करने के बाद देख सकते हो इंटरनेट स्पीड आपकी कितनी आने वाली है। इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखा देता हूं, देख सकते हो आप लोग यहां पे, ये देखो भाई थक जाओगे आप लोग, ठीक है, स्क्रॉल करते करते, और इंटरनेट देखो कितनी स्पीड से चलेगा आपका, ठीक है मेरे भाई। तो देख सकते हो आप लोग, तो यहां पे इस वाली एपीएन सेटिंग को आपको अप्लाई करने के लिए देखो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको रीसेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है, सब कुछ मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा। तो यहां पे देखो रीसेट पे 2 से 3 बार आपको क्लिक करना है, फिर आपको न्यू एपीएन पे क्लिक करना है, और यहां पे नेम आएगा। तो ये 2024 का लेटेस्ट मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो इसको अप्लाई जरूर से करना। तो नेम में क्लिक करना है, नेम पे आपको करना है अपने जियो 5G, ठीक है, को जियो 5G पे कर देना है, ओके। और एपीएन में क्या करना है, एपीएन में आपको जियो इंटरनेट कर देना है, ठीक है, यहां पे कर देना है आपको जियो इंटरनेट, ठीक है, यहां पे आपको कर देना है इंटरनेट कर देना है, या आप यहां पे जियो 5G कर देना मेरे भाई, ठीक है, जियो 5G सही रहेगा क्योंकि हमें 5G की स्पीड चाह रही है, ठीक है, जियो 5G कर देना। उसके बाद प्रॉक्सी में आपको कुछ नहीं करना, पोर्ट में कुछ नहीं करना, आपको यहां पे देखो सर्वर का ऑप्शन मिलेगा, तो सर्वर में देखो आपको www.google.com कर देना है, ठीक है, google.com, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारी ऑप्शन आएंगे, MS Proxy, MX Port, इन पे आपको कहीं पे भी क्लिक करना है। यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑथराइजेशन टाइप का, इस पर क्लिक करना है, इसको PAP पे सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे देखो ये सारे ऑप्शन आएंगे, तो आपको API 4A6 पे सिलेक्ट कर देना है, इसको भी नीचे वाले को भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो बेनिफिकेटर का जो ऑप्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल भी मिस आपको नहीं करना है, इसमें आपको सारी सेटिंग जो आपको ऑन कर लेनी है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ सारा ऑन करना है आपको, इसको सारे को सिलेक्ट कर लेनी जितनी है टिक्स है, ठीक है, सारो टोटल जितना भी है मेरे भाई सब कुछ आपको ओके कर देना है। सारी सेटिंग अप्लाई होने के बाद यहां पे सारी सेटिंग आपको डाल देनी है जिस तरह से मैंने डाली है। उसके बाद देखो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव का, तो ये सेव वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर ओपन क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा, आपको जो सिलेक्ट होगा ना ऊपर वाले पे होगा जियो इंटरनेट पे, जिसमें आपको स्लो स्पीड मिलती है, तो आपको नीचे वाला जो जियो 5G मैंने न्यू एपीएन सेटिंग दिया है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, इसी में आपका जो इंटरनेट है वो हाई स्पीड के साथ चलेगा। और ये पहली सेटिंग ही बता रहा हूं मैं आपको, और भी 3 सेटिंग देख के जाना, 3 से 4 वो आपको बताने वाला हूं, ठीक है, कभी आप वीडियो को यहीं से स्किप करके चले जाओ। तो अब यहां पे देखते हैं हम अपने इंटरनेट कैसा चलता है, ठीक है। अब यहां पे मैं होम पे क्लिक करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, ये देख सकते हो स्पीड देखना तुम कितनी आएगी भाई, देखो ये देखो मेरे भाई, प्रूफ देख लो यार आप लोग, ठीक है, ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा आपको पूरे यूट्यूब पे। ये बिल्कुल मैंने ट्रिक अप्लाई की है और आप लोग भी कर सकते हो इस ट्रिक पे अप्लाई।